पुलिस ने मोतीनगर के पास बरेली से हल्द्वानी आ रही रोडवेज की बस में सवार एक युवक से 112 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद स्मैक की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। बता दें कि बस सवार युवक बदायूं से स्मैक खरीदकर हल्द्वानी में फुटकर बेचने के लिए जा रहा था। एसएसपी पंकज भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस की टीम ने हल्द्वानी आ रही बस की तलाशी ली। इस दौरान एक युवक बस से लालकुआ की ओर भागा। पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। युवक ने पूछताछ के दौरान अपना नाम मोहम्मद शफी बताया। उसने बताया कि वह अवदानपुर गांव का रहने वाला है। वहीं युवक के बैग से 112 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी शफी को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूर्व में भी लगातार इसका ये क्षेत्र रहा है जहाँ ये बेचता रहा है हल्द्वानी क्षेत्र में, और इस बार जो है हमारी टीम पहले भी इस पर लगी हुई थी। और ये मंडी चौकी क्षेत्र में 112 ग्राम स्मैक के साथ मोहम्मद सकरपाराम जो बरैम का रहने वाला है उससे खरीद के लाता है। सकरपाराम मैन्युफैक्चर करता है। इसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया, इसलिए 29 में